हेलो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस वक्त मैं अतुल सर के साथ आया हुआ हूं, जो कि हमारे परम और पुराने मित्र। और पटना में इस वक्त घूमने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी साथी की ज़रूरत होती है, और अकेले घूमने में तो एकदम मज़ा नहीं आता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो पटना का, पूरा पटना जू का मैं एक ये गिद्ध है, जो कि हमारे मुआशरे में यानी कि सोसाइटी में ये ख़त्म हो चुका है, वो गिद्ध है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारे चैनल से हमेशा आप जुड़े रहो है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और कोई भी कमेंट करना हो तो ज़रूर करके सुझाव दे सकते हो, या पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी थोड़ा सा जो समय है वो 3 से 4 बजे का समय जो होता है, वो लगा कि लायन डेन होगा, जानवर भी सो रहे, लेकिन अभी लायन आया नहीं, लेकिन वहाँ पे शायद हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पे तो एक लायन है नहीं, लेकिन लायन की तरह पुतला बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी चल करके देखते हैं, और बहुत भीड़ लगा हुआ है। ओ माई गॉड, यहाँ पे सुंदर और दृश्य बच्चे लोग देख रहे हैं, और देखते हैं हम लोग भी क्या होता है। ओ माय गॉड, ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे थोड़े से डरे हुए ज़रूर होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि कहीं बाहर आ गया तो फिर खैर नहीं है किसी की। तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। तो आप लोग जब भी पटना जू में आओ, बिहार आओ तो ज़रूर आओ पटना जू में घूमने के लिए, बिहार का ये गौरव माना जाता है। और थोड़ा सा हम लोग बच्चे से पूछने की कोशिश करेंगे। कैसे लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे घूमने आए हैं? अच्छा है, अच्छा है। कहाँ से आए हैं सर आप? प्रतापगंज। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को बच्चों? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो या और पहले भी आते हो? पहली बार जो आए हो? मैं तो आ चुकी हूँ बहुत बार। अच्छा, आप बहुत बार आ चुके हैं। ये बच्चे आपके साथ पहली बार आए हैं? चलिए सही है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एक बार जूम करके एक अच्छे एंगल से ले लूँ। थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे खा भी सकता है। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे, और बहुत ही शानदार नज़ारा है। और एक लायन जो और अंदर में गुर्रा रहा है, तो हो सकता है कि वो लायन इससे ज़्यादा डेंजरस हो। ओहो, क्या अदाएं हैं लायन की, काट खाएगा हम लोगों को। चलो जानने की कोशिश, कैसा लग रहा है मैम आप लोग यहाँ घूमने आए हो? अभी तो हम आए किए हैं, अभी आए किए हैं, घूमेंगे तो पता। अच्छे, आप पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए? पहले भी आए हैं। जू को देख करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जंगली जानवरों को देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुविधाएं दी गई है विभाग की तरफ से। गाड़ी की भी सुविधा है, आप गाड़ी को भी रेंट पे ले सकते हो, और निशुल्क पेयजल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्यास लग चुकी है, जल्द से जल्द हम लोग पानी लोड किया जाए, ताकि आप लोग भी इंजॉय करो। और सबसे ज़्यादा इंजॉय तब आएगा जब यहाँ पे आप आओगे। पानी दीजिएगा भैया थोड़ा सा। और दीजिएगा थोड़ा। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग आ चुके हैं। पानी की सुविधाएं काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है गर्मी इतना है, इतना ज़बरदस्त गर्मी है कि हीट वेव का खतरा जो है हमारी सरकार की तरफ से भी आ चुका है ये एक निर्देश। हीट वेव काफ़ी है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरे स्टेट के भी हैं, बिहार के भी हैं, बिहार के अन्य जिलों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यानी टाइगर जैसा कि मैं देख का ये जगह है रहने का, लेकिन टाइगर मुझे दिख नहीं रहा है। तो कारण है गर्मी में छुपा हुआ है। साइड में भी है थोड़ा सा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि भारत में बहुत ही कम पाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सांप घर भी है यहाँ पे, जिसको मैं कवर करूँगा अच्छे से। तो सांप घर में क्या क्या हैं?
सांप देखेंगे, बस उम्मीद करते हैं कि सांप काटे नहीं, नहीं मिल पाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो हम लोग जो एंट्री ले रहे हैं वहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एग्जिट से ही दिखाते हुए एंट्री की तरफ से बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा अलग यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तभी लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे, सबसे जो चीज़ है यहाँ की सांप घर में नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ, एक बार आप पढ़ लो जब भी आओ। सांप का घर है, लेकिन मुझे अभी तक सांप जो दिखा, सबसे खतरनाक सांप मुझे दिख रहा, अगर ये बाहर निकल गया दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि जिंदा छोड़ेगा किसी को, क्योंकि ये इतना मोटा इतना मोटा इतना मोटा है, आप लोग देख सकते हो। और कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये कौन सा सांप है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसमें भी आप लोग देख पा रहे होगे तो पेड़ के अंदर में एक बहुत मोटा सा सांप इसने छिपा हुआ है। ये कौन सा सांप है इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों, और ये कोबरा है, और कोबरा आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, सामने में देखो फन उठाए हुए है, वहाँ है छोटा सा कोना और ये देखिए आंद्रे रशेल रशल मशल, ओ माय गॉड, वाइपर है, आपको वाइप कर देगा खा करके, मतलब इधर उधर के बहुत ही अच्छे से और बहुत करीब जा करके। यहाँ पे केचुल जिसे बोलते हैं छोड़ा हुआ है, और बहुत ही शानदार सांप है, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश ना कीजिएगा आप लाइफ में कभी, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये धमना सांप इसे बोलते हैं, धामिन बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं और एक मोटा सा वहाँ पे भी है, और फिर से एक अजगर यहाँ पे। अब बाहर निकलने की कोशिश हम लोग करेंगे, और जो कि ये एंट्री द्वार था, तो एंट्री द्वार यानी प्रवेश द्वार से हम लोग, सुंदर नज़ारा है सांप सांप घर का, है ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और एक बंदर वहाँ से देख रहा है और बुला रहा है कि आ जाओ यहाँ पे। ओ माई गॉड, चिंपांजी को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग, जैसा कि, और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं गौरैया बनी हुई है, और बर्ड्स का सेक्शन हो सकता है अंदर में हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो जू है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो पार्ट है जो जानवरों का है और एक है सामाजिक जानवर जो उधर आपको दिख रहे होंगे। तो एक हैं जानवर, जंगली जानवर इधर हैं, और जो सामाजिक जानवर हैं वो उधर हैं। सेल्फीज आती हैं यहाँ पे, और ये जो है बैट हाउस, इसके अंदर जाने का ना है का, इधर से भी ले सकते हैं, मेन गेट उधर है, उधर से निकल जाएंगे आप, इधर आइए ना आप ही। बनाना पड़ेगा वीडियो को अच्छे से। तो बैट हाउस के अंदर जाते हुए, बैट बॉल तो नहीं खेलेंगे इसके, यहाँ पे जैसे ओल देख सकते हो, और बहुत सारे और भी जानवर हैं जिसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ हो है ही, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डॉग है, जैकल डॉग नहीं बल्कि जैकल। स्लो उल्लू बना दिया गया, उल्लू बना, एंट्री में उल्लू घर और बाकी बैड घर। अब लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कैसा लग रहा है उन्हें और क्या क्या खास चीज़ें उन्होंने। पटना जू की गाड़ी भी आ चुकी है, इससे जानवरों के लिए खाना भी आता है। कहाँ से आ रहे हो आप बाबू? सिवान से। अभी तक क्या क्या देखा? हाथी देखे, बतख देखे। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये जानवरों के लिए खाना जा रहा है यहाँ पे, गाड़ी खाना लेकर जाती हुई। बहुत सारी पक्षियों का भंडार है, और यहाँ पे कौआ, कोयल, और सबसे करीब जा करके मैं, ये ऑस्ट्रिच है क्या?
एम्यू या ऑस्ट्रिच है, ये आप बताओ क्या है। देखने में काफ़ी बड़ा सा है वो, साइड में आप लोग दो देख सकते हो, और यहाँ पे भी ये सोच रहा है कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे पाऊँ। देना मना भी है, देना मना भी रहता है, क्योंकि जंगल का रूल नहीं बल्कि यहाँ सरकार का रूल चलता है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप अश्लील हरकत ना करें, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। लेकिन आप लोगों को मैं कुछ देर में दिखाने वाला हूँ ऐसी ऐसी हरकतें कि जैसे मैंने बताया कि दो जानवर हैं, एक सामाजिक जानवर हैं और एक जंगली जानवर है। तो जंगली जानवर तो अश्लील हरकतें नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक जानवर ज़रूर उधर कुछ कर रहे हैं हरकतें। ये भालू के बारे में डिटेल से कुछ, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना मज़े से बैठा हुआ है, उसको लग ही नहीं रहा कि हम जंगल में हैं कि जू में हैं। आप लोग देख सकते हो, और नीचे में एक टनल टाइप का बनाया गया है ताकि जब भी गर्मी लगे भालू को तो कूद जाए, पानी रहता है उसके अंदर, और फिर बाहर निकलने का भी बनाया हुआ है, आराम से नहा धोकर निकल जाए और आराम से ऊपर जाकर धूप सेकते रहो। सही है भाई, शेयरिंग विथ यू ऑल गाइज, सो इट्स रियली ऑसम। ये लगता है मुझे, ये है क्या बोलते हैं उसको, मंगूर उदबिलाव। चलिए उधर देखते हैं। अरे बाप रे, इधर कौन सा खाता था ना। इस देखकर आपको सलमान खान की याद जरूर आ गई होगी, है ना, ब्लैक बक। तो आइए हम लोग देखते हैं, यही है दोस्तों ब्लैक बक। इससे काफ़ी पुराना नाम जुड़ा हुआ है ब्लैक बक के साथ सलमान खान का। तो आप लोग देख सकते हो ब्लैक बक इसी तरह का होता है, जस्ट हिरन की तरह, लेकिन छोटे से साइज़ का होता है। इधर जिराफ, सांवर, गेंडा, रहेगा दम दिखेगा। चलो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जानने की कोशिश हम लोग करेंगे लोगों से भी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के। कहाँ से आए हो आप? रामगढ़वा से। ये पटना मोतिहारी में पड़ता है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पे आ रहा है बाहर? अरे मोबाइल गिर जाएगा तो कहाँ होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये डूबे हैं। अच्छा, कितना आप लोगों को जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घड़ियाल है और काफ़ी शानदार नज़ारा है, लेकिन ये सब
वो एक घड़ियाल मुझे सामने में दिख रहा है, बाकी सब सो रहे हैं पानी में, पानी का आनंद ले रहे हैं क्योंकि ठंडा उन लोगों को महसूस होता है और गर्मी का दिन है। आप लोग देख सकते हो कि हम अंदर जा रहे हैं अभी, ले जाइए सर। और मछली घर इसे बोला जाता है, फिश हाउस बोल सकते हैं। थोड़ा सूरज की रोशनी सामने की तरफ पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या मछली घर में लोग चूहा देखने क्यों जा रहे हैं उधर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मछली घर का मतलब जस्ट एक्वेरियम होगा, मुझे यही एक्सपेक्टेशन है, बाकी हम लोग देखते हैं चल के कि किस तरह का है। ऐसा भी होता है कभी कभी फिगर बना देता है मछली का और मछली घर में इस वक्त, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त मछली घर में मैं आ चुका हूँ और बहुत ही शानदार और जानदार नज़ारा है और हम लोग देखेंगे। और मछली घर बोल करके इसको एक्वेरियम, ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम का नज़ारा है ये, आप लोग देख सकते हो इसको, अंडर वाटर फिश टनल हम लोग कल बोल रहे थे, वो आज क्या है, एक्वेरियम है, जो कि पटना जू में है। ये वीडियो में पैसा लगा करके भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाहर से ही देख लो, पैसा लगा करके देखने की नौबत ना हो। ओ क्यूट, अच्छा लग रहा है तुम्हें, क्या नाम हुआ? ओके वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ घर है आपका? औरंगाबाद में। और ये हम लोग बाहर निकल चुके हैं दोस्तों, आप जब भी पटना जू आओ तो एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ। गाइस वी हैव विजिटेड ग्रीन हाउस ऑफ जू ऑफ पटना, जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं ये, जूलॉजिकल संजय गांधी जैविक उद्यान भी इसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम कभी आप नहीं भूलिएगा, और जिस जगह पे मैं आ चुका हूँ ये ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं, और कैसा है ऊपर नीचे का पूरा नज़ारा हम लोग दिखाते हैं। इधर आइएगा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक कुटिया अपनी बना करके और सो जाए, और इतना शानदार नज़ारा है, पेड़ पौधे जो है वो मतलब लैश हैं। इसी तरह से हम लोग के प्राचीन काल में पेड़ पौधे होते थे, हमारी जो पॉपुलेशन थी, हमारी जो डेंसिटी पॉपुलेशन थी वो काफ़ी मतलब कम थी, और कुछ ऐसा नज़ारा रहता होगा। अभी तो ऐसा नज़ारा सिर्फ जंगलों में देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको पटना जू से डायरेक्ट। तो आप लोग जब कभी भी आओ तो ग्रीन हाउस में ज़रूर आओ, और ग्रीन हाउस में सबसे बड़ी जो खासियत है मुझे जो लगी, वो तो खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी डिज़ाइन ऑफ हाउस इसको जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है वो, तो कि पेड़ पौधों की ज़रूरत हमें क्यों है उसके लिए तो मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं, और ज़रूरत है तो हम लोग कैसे पौधों को संजो कर रख सकते हैं, जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है कैक्टस हाउस, ज़्यादातर ये कैक्टस जो हमें दिखते हैं वो राजस्थान और जो भी डिज़र्ट एरिया है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पटना जू है जो कि
एक संग्रहालय बनाया गया है एक तरह से कैक्टस का, खास खास पौधों का। तो बहुत ही अच्छा एक सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, और लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये जो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये कंपोस्ट है, जितने भी पेड़ पौधे से गिरे हुए जो तत्व होते हैं वो यहाँ पे सड़ा करके और इसको यूज़ किया जाता है एज एनर्जी। व्हाटएवर आई हैव शोन यू इन योर इन दिस वीडियो, सो दैट वाज रियली फैंटास्टिक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस पार्टिकुलर जू व्हिच इज सिचुएटेड इन पटना, नोन एज पटना जू। सो डेफिनेटली दिस वन इज अमेजिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू थ्रू दिस वीडियो, एंड आई होप सो यू एंजॉयड अ लॉट, एंड आई थिंक सो यू विल ऑल्सो विजिट टू सी सम glimpses from here. Thank you so much for watching this video. Please do share.